ओके, तो यहां पर हमारी नॉर्मल कैपेसिटी इज 60,000, एक्चुअल इज 50, नॉर्मल इज 60. तो हम जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स लेंगे उनको एब्जॉर्प्शन रेट हम 60,000 के हिसाब से देखकर और टोटल निकालेंगे. लाइक फॉर दिस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो फिक्स्ड एलिमेंट है, इट्स गिवन दैट इट इज 50% फिक्स, दैट मीन्स 5 रुपीज पर यूनिट इज फिक्स. 5 रुपीज पर यूनिट ये कैसे निकला होगा, तो बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 60,000 यूनिट्स. जब हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया होगा बाय 60,000, तब हमें आया होगा 5 रुपीज पर यूनिट. ये समझ में आया? एब्जॉर्प्शन रेट ऐसे ही निकालते ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी विल बी नॉर्मल कैपेसिटी नॉट एक्चुअल कैपेसिटी. तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट शुड बी 5 × 60, दैट इज 3 लाख. तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 3 लाख. इट विल बी द सेम, फिक्स है तो सेम ही रहेगा, चाहे कितने भी यूनिट्स आप बना लो. कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, 1 लाख में भी कोई चेंज नहीं है. नहीं, सेलिंग एंड एडमिन में है चेंज. दिस इज फॉर फिक्स्ड. वेरिएबल दिया है बाकी का 50%, 10 में से 5 रुपीज पर यूनिट इज फिक्स, तो बाकी का 5 रुपीज पर यूनिट शुड बी वेरिएबल. अब वेरिएबल जो होगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता जाएगा. सो व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 50,000 यूनिट्स, हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 2,50,000. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 80,000 यूनिट्स, दिस विल बी कितना, 4 लाख्स, एंड फॉर 1 लाख यूनिट 5 लाख्स. नेक्स्ट कॉस्ट इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. अगेन दिस विल बी डिवाइडेड इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल. बोला गया है इट इज 8 रुपीज पर यूनिट, आउट ऑफ विच 25% इज वेरिएबल, दैट मीन्स 2 रुपीज पर यूनिट इज वेरिएबल, 6 रुपीज पर यूनिट इज फिक्स्ड. अब जो फिक्स है वो वापस नॉर्मल कैपेसिटी पर आया होगा. ओके, दैट मीन्स इट शुड बी 360. 25% इज वेरिएबल. This was 3,60,000 for 50,000 units. When we are making 80,000 units, तब हम कुछ additional marketing campaigning कर रहे हैं, कोई additional advertisement campaign हो रहा है ना, for which we are spending 50,000. Advertisement campaign भी तो selling overhead ही है, and 50,000 is the fixed amount given. तो ये हमारा fixed selling overhead ही होगा. तो that means ये 360 तो होगा ही, plus we will have 50,000. So total will be 4,10,000. फॉर 80,000 यूनिट्स. 1 लाख यूनिट्स में हम कोई मार्केट कैंपेन नहीं कर रहे हैं, कैंपेनिंग नहीं हो रही है. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, फिक्स में कोई चेंज नहीं है. तो फिक्स वाला 360 ही रहेगा. सो दिस अमाउंट इंक्लूड्स स्पेशल एडवर्टिजमेंट कॉस्ट. ओके, देन वेरिएबल 25%, दैट इज 2 रुपीज पर यूनिट. वेरिएबल विल बी 2 रुपीज पर यूनिट. 50,000 के केस में हो जाएगा 1 लाख, 80,000 में हो जाएगा 1,60,000. और 1 लाख यूनिट जब बना रहे हैं तब 4% से इंक्रीज हो रहा है. दिस वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 4%. इसका मतलब 2 + 4%, 2.08, it will be 2.08 per unit. So that means it is 2,08,000. Clear hai? Any doubts? Sare cost ho gaye. Expansion cost, expansion cost bach gaya na. First wale page to humne pura cover kar liya. Second page mein jo points diye hain, agar aap 80,000 या 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा. 50,000 यूनिट्स ही बनाना है तो कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन इन दोनों में लगेगा. व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग यू आर इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज. आप 5 लाख रुपीज जो इन्वेस्ट करोगे वो कहां से आएगा, थ्रू अ लोन, जिस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
at the rate of 12%, वो भी आपका कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन. फर्स्ट वाले केस में नहीं लगेगा, जब 50,000 यूनिट्स ही बना रहे, उससे ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट लगेगा. 12% पर annum, दैट इज 60,000. डेप्रिसिएशन रेट ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इज 10% बेस्ड ऑन SLM. अगेन, जब एक्सपेंशन करोगे तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा. ये एडिशनल डिप्रिसिएशन इन्हीं दोनों केस में आएगा. एडिशनल डिप्रिसिएशन 50,000. इसके बाद एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं. एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 2 लाख अप टू 80,000 यूनिट. 80,000 यूनिट तक बनाते हो तो जो ऑलरेडी लग रहे हैं, ये 360 या जो भी कुछ है, दिस एंड दिस जो है वो तो लगेंगे ही, उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड आपके और बढ़ जाएंगे बाय 2 लाख. सो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अगर 80,000 यूनिट्स हम बनाते हैं तो 2 लाख से बढ़ जाएंगे. अगर 80,000 से भी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो और 80,000 से बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल 280 से बढ़ेंगे. सो फॉर 1 लाख यूनिट्स एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 280. कवर कर लिए ये सारे पॉइंट्स. फिर नीचे जो पॉइंट दिया है, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने ले लिया, सेलिंग प्राइस में रिडक्शन कर दिया, मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन कर दिया, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में इंक्रीमेंट कर दिया. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. सो दिस विल गिव अस द बजटेड प्रॉफिट्स. क्या 5 लाख? वन फिफ्टी फाइव तो ये 62,000. ओके, तो हमें सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट ही नहीं बनाना था, हमें आगे भी बोला था सिलेक्ट द बेस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ ऑपरेशन. सो दिस विल बी द बेस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ ऑपरेशन. दैट मीन्स वी विल गो फॉर एक्सपेंशन and after expansion we will produce only 80,000 units. clear hai? second part mein hume calculate karna hai break even both before and after expansion. break even ka formula yaad hai kya? break even point is fixed cost upon contribution per unit. to hume before aur after dono cases mein fixed cost nikalna padenge plus कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस. अब हमारा इन दोनों ही केस में, वन इज बिफोर एक्सपेंशन विच इज दिस केस, इसमें जो जो भी हमने कॉस्ट लिए, द अदर इज आफ्टर एक्सपेंशन. आफ्टर एक्सपेंशन में हमारे पास ये दो केसेस हैं, दोनों में कॉस्ट डिफरेंट है. वेरिएबल कॉस्ट आर डिफरेंट, फिक्स कॉस्ट आर डिफरेंट, तो हमें तीनों के लिए अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. सीधे हम आफ्टर एक्सपेंशन का एक ही फिगर नहीं निकाल सकते फॉर फिक्स्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. हमें
इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए अलग अलग से फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेंगे. सो दिस विल बी अवर वर्किंग नोट. 50,000, 80,000 एंड 1 लाख यूनिट्स. पहले अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करें तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है? सेमी वेरिएबल का पोर्शन 30, तीनों ही केसेस में इट विल बी 30. सेकेंड इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड विच इज 3 लाख अगेन फॉर ऑल द 3. Then is selling overhead, 3,60,000 for the first, 4,10,000 for the second, and again 360. इसके बाद interest cost is again fixed, 60,000. Then additional depreciation, 50,000. Additional fixed overheads, 2 lakh for this and 280 for this one. This will give us the total fixed cost. निकालो. नो दिस इज 30,000. 690, 10,50,000. This is total fixed cost. Now calculating contribution per unit. Contribution per unit के लिए हमें चाहिए पहले selling price per unit. Selling price per unit is 40, 40 and 36. Then direct material cost per unit 12.5, 12.5 and 12. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 5, 5 एंड 5. देन सेमी वेरिएबल 0.5, 0.5 एंड 0.5. देन फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स नहीं है, वेरिएबल ले रहे हैं सिर्फ. वी आर फाइंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फैक्ट्री ओवरहेड्स 5, 5, इसका भी 5 है. सेलिंग ओवरहेड 2, 2, 2.08. दैट्स इट. दिस विल गिव अस द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 15. Okay. Now finding out BEP. So BEP at 50,000 units, it will be fixed cost 6,90,000 divided by contribution per unit 15. 46,000 units. This is when we are calculating in quantity. अगर रुपीज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई दिस बाय द सेलिंग प्राइस. देन बीईपी एट 80,000 यूनिट्स 10,50,000 डिवाइडेड बाय 15, 70,000. बीईपी फॉर 1 लाख यूनिट्स
10 lakh 80 divided by 11.42. 94,571. When we are saying 50,000 unit, मतलब ये नहीं जब 50,000 ही बना रहे हैं, यहाँ पर तो 46,000 आ रहा है. 50,000 तक अगर बनाते हैं तो हमें कम से कम 46,000 बनाने हैं टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस. इससे ज्यादा जितना बनाओगे टिल 50,000 दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स. 80,000 अगर 80,000 तक बनाते हो, इन दैट केस 70,000 आपको मिनिमम बनाना ही पड़ेगा. अगर मान लो यहाँ पर 70 की जगह आ जाता 82,000, इसका मतलब ये फीजिबल ही नहीं है आपका सोल्यूशन, ब्रेक इवन होगा ही नहीं. अगर आप 80,000 यूनिट्स तक बनाने जाते हो तो आपका ब्रेक इवन कभी भी नहीं होगा. ओके, इन दिस पर्टिकुलर आंसर ऑल द सोल्यूशंस आर फीजिबल. जो क्वांटिटी आपने ली है उससे कम ही आ रहे हैं आपके बीईपीज, कभी कभी हो सकता है ये उससे ज्यादा आए, सो यू विल हैव टू राइट दिस इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन. तो उस रेंज में हमें प्रोडक्शन करना ही नहीं है जहां पर ब्रेक इवन ही नहीं हो, हम लॉस में ही प्रोडक्शन करते रहेंगे. क्लियर है? दीज आर योर बीईपीज, लिख लीजिए.